प्रदेश के राजगढ़ शहर से निकल रहे जयपुर भोपाल मार्ग पर रविवार को एक बाइक सवार को बचाने के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक सवार को बचाने के कारण चूने से भरा कंटेनर 45 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिसका लाइव सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह व एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देशन में प्रशासन और पुलिस के द्वारा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। हादसे के बाद राजगढ़ के बाराद्वारी निवासी 25 वर्षीय युवक शाहरुख घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए राजगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे भोपाल रेफर किया गया है। वहीं क्रेन और जेसीबी की मदद से कंटेनर को देर रात को बाहर निकाला गया। इस घटना में ड्राइवर सकुशल जीवित मिल गया है, जबकि कंटेनर में सवार क्लीनर का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मैं अंदर बैठा था, एकदम ट्रायल आया तो सीधा हिट गया। क्या गुमटी में, आपकी गुमटी में टक्कर मारता हूँ? हाँ, गुमटी कम पैसा, पूरा सामान ही नीचे ले गया। आप गुमटी में बैठे थे क्या? हाँ, अंदर बैठा। तो कैसे, क्या हुआ, कैसे ट्रक आया, कैसे घटना हुई, कुछ बताएंगे आप? मतलब वो एक रॉन्ग साइड से मोटरसाइकिल आई, हाँ, तो उसे बचाने में उन्होंने एकदम स्पीड में था, हाँ, काट दिया, तो वो सीधे ही चल गया। तो आप उस गुमटी के अंदर बैठे थे उस टाइम? कितने लोग थे? और कोई नहीं, एक मैं था, एक बाहर हवा बचा था। बाइक सवार को भी चोट आई क्या? उसकी तो नहीं आई मेरे को, लेकिन जो हवा बचा था उसकी जरूर नीचे उतर गया, टांग मांग टूट गई। अच्छा, तो कहाँ है अभी वो वर्तमान? वो अस्पताल ले गया। अच्छा, तो तुमको तो कोई चोट नहीं आई ना? कितने बजे की घटना है? तो अभी एक आध घंटा हो गया था। आपने क्या इसमें सुधार किया जाएगा जिससे ये घटना ना हो? बार बार इसमें कई बार मैंने निरीक्षण भी करवाया, एमपीआरडीसी के अधिकारियों को भी बुलाया था कि भाई इस रोड में बार बार हादसे होते हैं। एक स्कॉर्पियो गिर गई थी, 4-5 लोग उसमें ख़त्म हुए थे। उस समय भी एमपीआरडीसी के अधिकारियों को बुलाया था कि भाई बार बार इसमें हादसे हो रहे हैं, आप इसमें स्पीड ब्रेकर बनाएं। अभी भी मैंने कलेक्टर साहब से कहा है, उन्होंने स्वीकार किया कि अभी मैं इसमें स्पीड ब्रेकर को तुरंत बनवा ही देते, कट बंद करवा देते, ताकि वहाँ से वाहन जो आए स्लो गति में आए, और एक संकेत भी लिखवा दिया जाए कि इस पर दुर्घटना जो क्षेत्र है इसमें दुर्घटना की संभावना है, इसलिए आप सावधानी बरतें। और अब देखो, घटना घटने के बाद तो सारी चीज़ें होती है। मैं राजगढ़ के लिए, अब यह आबादी घनी क्षेत्र हो गया, इसलिए मैंने विधानसभा में भी लगाया और इसका बाईपास की मांग भी की। एमपीआरडीसी ने इसका प्रोजेक्ट तैयार भी किया, लेकिन इसको मंजूरी होने में देरी लग रही, लेकिन बहुत ही आवश्यक है शहर के लिए, और जान और माल बहुत सारी हानियाँ हो रही है। अब इतनी जाने, मैंने इसमें दिया था कि साल में 25-30 मौतें इस रोड पर कुंड के नाले से घातक होती है, ऐसे कुंड के नाले पे दुर्घटना घटती ऐसे। तो ये शहर में आबादी के कारण सघन बस्ती है, गाड़ियाँ इधर उधर आती, लोग स्पीड से चलते हैं, तो उसके कारण ये दुर्घटनाएँ घटती है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि राजगढ़ में बाईपास का निर्माण होना बहुत अति आवश्यक है, और उसके लिए मैं बच्चों ताकत से लगाऊँ कि जल्द से जल्द बाईपास का निर्माण। सर, ये जो ट्रक है कंटेनर, ये चूने से भरा हुआ यहाँ से पुल से नीचे गिरा था, क्या मामला है ये? ये आज सुबह करीबन 11 बजे की बात है, 11:30 बजे राजस्थान से एक चूने का भरा हुआ, ये ट्रॉला बोलते हैं इसको, वो आ रहा था, तो यहाँ पर संस्कृति होटल के सामने जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है किसी बाइक वाले को बचाने के लिए इसने उसको स्टेयरिंग को मोड़ा और फिर ये अपने ट्रॉला को काबू में नहीं पा पाया था, और उसके बाद यहाँ पर जो एक नाला है उसके अंदर जा कर के ये गिर गया है, जिसमें दो लोग घायल हुए हैं जिनको अभी उपचार कराया जा रहा है। और इसके ड्राइवर से पूछताछ की है तो अभी बताया कि क्लीनर जो है वो मिसिंग है, तो जिसकी तलाश की जाए। मतलब वो अंदर दबा हुआ हो सकता है इसमें पानी में? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है हम लोगों का। कितनी क्रेन बुलवाई थी इसको निकालने के लिए? करीबन 7 क्रेनें यहाँ पर लगाई गई थी, जो सभी राजगढ़ जिले से आई थी, और तकरीबन यहाँ पर 70-80 पुलिस वालों ने, नगर पालिका के कर्मचारियों ने, श्रीमान SP महोदय, कलेक्टर महोदय, SDM, ADM महोदय, सभी लोग यहाँ पे मौके पे उपस्थित थे। और तो ये रेस्क्यू अभी चल रहा है, करीबन ये 7-8 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तो अभी ये ट्रक को बाहर निकाला गया है और जो मिसिंग है उनकी तलाश की जा रही है।